छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए ये खुशी और हर्ष का अवसर है कि किसी भी राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक प्रदेश में 3 दिन का आगमन हो और इस 3 दिन के आगमन में व्यापक स्तर पर हमने तैयारी किया है कि 3 दिन का उनके एक एक मिनट का हम सदुपयोग कर सकें, उनका अनुभव का लाभ ले सकें। और इसलिए कुछ कार्यक्रम हमारे संगठन के संगठनात्मक हम यहाँ पर करेंगे, कुछ कार्यक्रम बाहर करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के कोर ग्रुप के हमारे मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, विधायक दल है, मंत्रिमंडल है, ऐसे तमाम लोगों की अलग अलग बैठकें राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर करेंगे किया। और उसके साथ में कुछ कार्यक्रम लीक से हट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच है कि जिस प्रदेश में मैं जा रहा हूँ वहाँ कुछ कार्यक्रम अलग से भी हो, उस प्रकार के तैयारी भी पार्टी के द्वारा की गई है। सर, एक छोटी सी चीज़ ये पूछना चाहेंगे कि 3 दिन के उनका जो प्रवास है उसके अंदर छत्तीसगढ़ की संस्कृति से उन्हें अवगत करवाने के लिए मुख्य रूप से कुछ तैयारी की गई है सर बीजेपी की तरफ से? हमारे जो विभाग और प्रकल्प बनाए गए हैं, हमारे जो प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, उसमें हमारा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भी है और अलग अलग हमारे विभाग और प्रकल्प हैं। मुझे लगता है उस दौरान में सारी चीज़ों की तैयारी किए हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की एक झलक देखने को मिलनी चाहिए और उसके लिए भी तैयारी की गई है। ये जरूरी नहीं है कि राजधानी के अंदर ही हो, लेकिन ये एक झलक छत्तीसगढ़ की उनको मूल रूप से मिलेगी।